नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज के हमारे जो सब्सक्राइबर मित्र हैं वो कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से हैं। जी हाँ, पेशे से एक इंजीनियर हैं, सिर्फ 25 साल के युवक हैं। फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका था, हेयर लाइन पूरी तरीके से जा चुका था। बहुत ही यंग होने के कारण कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में चोट तो करता ही है। फिर इन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लिया। आप देख सकते हैं कि कोलकाता में ही इन्होंने एक बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक ढूंढने की कोशिश की। तो इनके पूरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की स्टडी आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कहां से कराया है वो जाने के लिए आप इस नंबर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको भाई के केस स्टडी के ऊपर, जहां पर कैंडिडेट मीटर की सहायता से हम जानते हैं कि एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट वो किस टाइप के थे। अगर हम हेड साइज की बात करें दोस्तों, तो हेड साइज बहुत ही एवरेज था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा छोटा नहीं था। ग्रेड थर्ड था, तो दैट मीन्स मैंने बार बार आप लोगों को यही बोला है कि छोटा सा ग्रेड है तो डोनर एरिया बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है। तो ऐसे ग्रेड में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन मतलब डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। हेड साइज तो एवरेज था ही, उसी के साथ साथ अगर डोनर एरिया की बात करें तो डोनर एरिया भी काफी चौड़ा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि भरा हुआ था पूरा डोनर एरिया, क्योंकि ऑलरेडी इनका ग्रेड छोटा था तो डोनर एरिया अच्छा होने की पूरे चांसेस थे। टोनर डेंसिटी भी अच्छी थी, ग्राफ्ट क्वालिटी भी अच्छी थी, और अगर हम हेयर क्वालिटी की बात करें तो वो कर्ली थे लेकिन अच्छे थे, मोटे थे, बढ़िया थे। एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट ये बहुत ही जोरदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट है। डेफिनेटली आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट कैसे हैं वो जानने के लिए अपने बॉल्ड एरिया की पिक्चर और डोनर की पिक्चर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर्सनली मुझे कर सकते हैं आपको, ताकि आपको अपने बारे में भी आइडिया जाए कि आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट किस टाइप के। तो ओवरऑल क्योंकि ग्रेड थर्ड के हैं तो ओवरऑल एक 3000 ग्राफ्ट की सर्जरी की प्लानिंग इनकी की गई। तो आप देख सकते हैं कि कुछ फाइनली इस टाइप का सर्जरी जो है एग्जीक्यूट किया गया है, जहां पर फ्रंट से लेके लास्ट तक जो है अच्छी हाई डेंसिटी में जो है ट्रांसप्लांट को किया गया है, जहां पर टेम्पोरल एग्जिस्टिंग टेम्पोरल एरिया के साथ ही जो है हेयर लाइन को मर्ज किया गया है, काफी अच्छे तरीके से किया गया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन पंचेस के साथ जो है डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन किया गया है। जिस जगह पर देखिए पहले कुछ इस टाइप का बाल झड़ गया था, उस जगह पे परफेक्ट तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। आइए देख लेते हैं कि इनका बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट कैसा आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ही नेचुरल तरीके से, और हाई डेंसिटी में जो है फ्रंटल हेयर लाइन को एग्जीक्यूट किया गया है। आप देख सकते हैं कर्ली हेयर्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना काफी कठिन होता है, क्योंकि रूट्स अंदर मुड़े हुए होते हैं तो बहुत ही टफ होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना नेचुरल, कोई कह ही नहीं सकता कि इनका एक्चुअल में कभी बाल झड़े हुए थे। हाई डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है। थर्ड ग्रेड के थे, 3000 ग्राफ्ट में ही इनका पूरा भर गया। आप देख सकते हैं कोई फाइबर यूज नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मांग भी निकाल सकते हैं। छोटे ग्रेड में सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप मांग भी निकाल सकते हैं। बड़े ग्रेड में डेफिनेटली आपको बड़े बाल करके एरिया कवरेज मिलेगा, लेकिन छोटे ग्रेड में आप मांग भी कहीं भी निकाल सकते हैं 90% केसेस में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है, और देख सकते हैं कि कर्ली हेयर्स होने के कारण तो और भी ज्यादा वॉल्यूम दिखता है। नेचुरली जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम उनको दिखता ही है, जैसे कि मेरा वर्तमान समय मैं भी उतना ज्यादा डेंसिटी नहीं है बालों में, लेकिन थोड़ा सा कर्लीपन के कारण मेरी बहुत हाई डेंसिटी दिखती है। इनका भी केस में वही है, इनका हालांकि डेंसिटी भी बहुत ही जोरदार है। थर्ड ग्रेड के कैंडिडेट थे ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, इसलिए बहुत ही शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट इनका आया हुआ है। अगर डोनर एरिया की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 3000 ग्राफ्ट जो है ऑलरेडी इनके डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कहीं से भी डेंसिटी आपको कम नहीं दिखेगी, इवन कोई स्कार भी आपको नहीं दिखेगा। कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ है, आप देख सकते हैं कि डोनर एरिया ज्यों का त्यों सर्वाइव इनका कर रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके के पंचेस यूज किए गए हैं, इसीलिए जो है स्कार आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जिनका रंग बहुत गोरा होता है, रंग जिनका गोरा होता है उनके में स्कार बहुत कम दिखता है अगर पंचेस सही यूज किए जाए। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो बिफोर एंड आफ्टर में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस टाइप का आपका लगा है ये रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस भाई ने जो कहां से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है कोलकाता में वो जानने के लिए आप इस नंबर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय। We're gonna make it.